हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरुषि क्लासेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 12 के लिए इतिहास विषय का चैप्टर 6, भक्ति सूफी परंपराएं। तो इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले के 5 चैप्टर के वीडियो जो है अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियो को देख लें और उनका लाभ उठाएँ। तो आइए फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को हम शुरू करते हैं। आपसे कह दूं कि ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप इनको ध्यान से पढ़ें। फर्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का क्या अर्थ है? जो भक्ति आंदोलन था उसका क्या अर्थ होता है? तो कई हिंदू संतों और सुधारकों ने धार्मिक सुधार लाने के लिए आंदोलन चलाए जो भक्ति आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुए। जो भी हिंदू संत थे या फिर मुस्लिम संत थे, उन लोगों ने जो धार्मिक में इनके धर्म में बुराइयां थी, कुरूतियां थी, उनको दूर करने के लिए जो आंदोलन चलाए उनको कहा गया भक्ति आंदोलन। अपनी भक्ति को दर्शाने के लिए मंदिरों में देवताओं के समक्ष उनकी स्तुति में गीतों के माध्यम से लीन हो जाते थे। मतलब जो भक्ति आंदोलन के लोग थे उन लोगों के समक्ष भक्तों देवताओं के समक्ष भक्ति गीत गाया करते थे और उनमें लीन रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलवार कौन थे? तो दक्षिण भारत के विष्णु की उपासना करने वालों को अलवार कहा जाता था। दक्षिण भारत के जो विष्णु की उपासना करने वाले संत हुआ करते थे उनको अलवार कहा जाता था। इसके अलावा एक नयनार भी थे, तो जो शिव की भक्ति किया करते थे उनको जो है नयनार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, भक्ति आंदोलन के 4 प्रमुख संतों के नाम लिखिए। तो रामानंद स्वामी, कबीर, गुरु नानक देव और मीराबाई, ये हैं भक्ति आंदोलन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सूफीवाद से आप क्या समझते हैं? सूफीवाद क्या होता है? सूफी मत के मूल सिद्धांत कुरान और हजरत मोहम्मद की हदीस से मिलते हैं। सूफी शब्द मुस्लिम संतों के लिए प्रयोग किया जाता है। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने आधार पर की। सूफी संतों के विचारों को सूफीवाद कहा जाता है। सूफी विचारधारा में मुर्शिद का क्या महत्व है? सूफी विचारधारा में मुर्शिद का क्या महत्व है? सूफी विचारधारा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का कोई धार्मिक गुरु होना चाहिए जो कि उसका ईश्वर से संपर्क करवा सके। उसके अनुसार जिन व्यक्तियों का कोई गुरु अथवा मुर्शिद नहीं उनका कोई धर्म नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के उदय के कारणों का विवरण करो। मतलब भक्ति आंदोलन का जो है उदय किन कारणों से हुआ? तो किन कारणों के कारण भक्ति आंदोलन का उदय हुआ? वैष्णव मत का प्रभाव, दूसरा हिंदू धर्म में त्रुटियां। जो हिंदू धर्म था उसमें काफ़ी त्रुटियां आ गई थी, आडंबर आ गए थे, कुरूतियां आ गई थी, जिसके कारण भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। इस्लाम फैलने का भय, इस्लाम उस समय जो है बहुत फैल रहा था। सूफी मत का प्रभाव और महान सुधारकों का उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भक्ति आंदोलन के मूल सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। भक्ति आंदोलन के मूल सिद्धांत पर प्रकाश डालिए, मतलब भक्ति आंदोलन के क्या मूल सिद्धांत थे? तो एक ईश्वर में विश्वास, शुद्ध कार्य करना, शुद्ध कार्य पवित्र कार्य करना, विश्व भ्रातृत्व की भावना पर बल देना, चौथा प्रेम भाव से पूजा करना, पांचवा मूर्ति पूजा का खंडन करना, मतलब मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं किया करते थे। नेक्स्ट है 6 पॉइंट, इसका जात पात का खंडन करना और सातवां गुरु भक्ति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां आपका, भक्ति आंदोलन के प्रभाव और महत्व की चर्चा करें। जो भक्ति आंदोलन था उसका क्या प्रभाव रहा और उसके क्या महत्व रहे उसकी चर्चा करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं धार्मिक प्रभाव की। धार्मिक प्रभाव में क्या है? हिंदू धर्म की रक्षा। धार्मिक प्रभाव में सबसे पहला पॉइंट हिंदू धर्म की रक्षा। ब्राह्मणों के प्रभाव में कमी, इस्लाम के प्रसार में बाधा और सिख मत का उदय और बौद्ध मत का पतन। इसी में सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रभाव क्या हैं? हिंदू मुसलमानों के सामाजिक संबंधों में सुधार, निम्न वर्ग में सुधार, समाज सेवा की भावना को प्रोत्साहन, लोगों में मिश्रण कला का विकास और 5वां साहित्य विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, सूफी मत के मुख्य सिद्धांत क्या थे? जो सूफी मत था उसका मुख्य सिद्धांत क्या था?
तो अल्लाह से प्रेम, सांसारिक सुखों का त्याग। तीसरा पॉइंट, अहिंसा तथा शांतिवाद में विश्वास। चौथा पॉइंट, मानवता से प्रेम। पांचवा, मुर्शिद की महत्ता। छठा, भौतिक सिद्धांत। और सातवां, अल्लाह की भक्ति में संगीत तथा नृत्य का महत्व। ये थे सूफी मत के मुख्य सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, ये थे कुल 9 प्रश्न जो कि इस चैप्टर के सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आपसे कहना चाहूँगा कि इन प्रश्नों को तैयार करें और अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।